जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। आज की इस नई वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की वायरल रील्स एडिटिंग। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अभी के समय कुछ इस टाइप की रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मतलब आप लोग जितने बार इंस्टाग्राम को रील्स को स्कोर करेंगे, आप लोग को इस टाइप की वीडियो जरूर से मिलेगी। कम से कम मैक्सिमम कई बार तो क्या होता है कि 3-4 बार यही वीडियो आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा वायरल लगा। आप लोग भी अगर इस टाइप की रील्स बनाना सीख लेते हैं, जो ऊपर के साइज ये टैग्स आता है ये सब लगाना आप लोग सीख जाते हैं, तो आप लोग की रील्स भी वायरल हो सकती है। क्योंकि आप लोग को पता होगा ट्रेंडिंग के टाइम जो भी हम डालते हैं वो वायरल हो जाता है, तो आप लोग भी वायरल हो जाइए। अभी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं। आप लोग को जाना है VN एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग फोटो एंड वीडियो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप लोग फोटो भी यूज़ कर सकते हैं, देन आप वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप लोग एक काम करिएगा, पहले इंस्टाग्राम से एक वीडियो शूट कर लीजिएगा, जैसे वो लोग एक्टिंग करते हैं उस टाइप से आप लोग को वीडियो को शूट कर लेना है। फिर यहाँ से प्लस पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर जाना। मैं आप लोग को दो तरीके में एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, एक तो VN पे सिखाऊंगा, देन लास्ट जो होगा वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे ही बता दूंगा। तो गाइस आप लोग को सबसे पहले अपनी वीडियो शूट कर लें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप से नॉर्मल वीडियो शूट कर लिया था। आप लोग इग्नोर करिएगा, मुझे ज़्यादा लिपसिंग नहीं आती है, तो मैंने ऐसी वीडियो शूट कर लिया, तो आप लोग को भी ऐसे वीडियो शूट कर लेना। फिर गाइस आप लोग यहाँ से म्यूजिक पे क्लिक करना है, और आप लोग को जो ट्रेंडिंग पे म्यूजिक चल रहा है उस वीडियो को आप लोग को सिलेक्ट करके ले आना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियोस को लेके आ गया हूँ, तो ये ऑडियो में हो जाएगा। तो यहाँ से राइट पर कर देना है डन। अब गाइस आप लोग को जो आपके बारे में लोग बोलते होंगे वो आप लोग के यहाँ ऊपर की साइड टाइप कर देना है, ठीक है। मुझे तो सब लोग यही बोलते हैं कि तू इतना पतला क्यों है, तो मैं यही टाइप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप टाइप कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करके कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आप लोग को मिल जाएगा, जो अच्छा लगता है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये वाले फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है, तो आप लोग भी यूज़ कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपको बता दो कि आप लोग को आगे क्या करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को इसे टाइप कर देना। अब गाइस आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोग को कलर पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। आप लोग को कुछ इस टाइप से यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग बैकग्राउंड पे भी फॉन्ट को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग फॉन्ट पे मतलब कि जो बैकग्राउंड पे होता है वो भी आप लोग यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं, ठीक है। बट मुझे नॉर्मल सही लग रहा है, मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रखता हूँ इसे, ठीक है। पहले तो देख लेता हूँ क्या आई, चलो ठीक है हम नॉर्मल ही रख लेते हैं। और यहाँ से आप लोग फॉन्ट का कोई कलर भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। एंड ये अलग अलग रख लेता हूँ। अब गाइस आप लोग को अपनी सॉन्ग को सुनना है, जहाँ से वो आता है कि मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना, वहाँ तक आप लोग इस टेक्स्ट को लेके जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आप लोग को फिर यहाँ तक लेके आना है, और यहाँ पे आप लोग को फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को फिर टाइप करना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग को मी लिखना है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये, मतलब आंसर ये है, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी हो आप लोग टाइप कर सकते हैं, मी लिख दीजिएगा बस खाली। यहाँ से फ़ॉन्ट पे जाइएगा, और आप लोग को जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट ले लीजिएगा, और इसे भी आप लोग को यहाँ ऊपर के साइड से टाइप कर देना है, ठीक है। मतलब मी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मतलब यही है। यहाँ से आप लोग ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसे आप लोग को लास्ट तक दे देना है, और जो फालतू का आपका वीडियो होएगा उसे आप लोग को रिमूव कर देना, ये ब्लैक डिलीट कर देना। अब दिखाता हूँ आप लोग को, वीडियो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को VN पे कुछ इस टाइप से वीडियो को बना लेना है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम से ही बनाना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं, मैं आप लोग को वो भी तरीका बता दूँगा वो कैसे करना है। बट आप लोग जब बन जाए वीडियो तो यहाँ से आप लोग को सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को इंस्टाग्राम पे आ जाना है, ठीक है। आप लोग को तो आप लोग जैसे देख सकते हो मुझे सॉन्ग मिल गया। अब गाइस आप लोग को यहाँ पे यूज ऑडियो पे जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को क्रिएट कर लेना, मतलब आप लोग अपनी वीडियो को बना लेना है। सो मैंने इसे ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं जाता हूँ अपने ड्राइव पे, और यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को फोन पे क्लिक करना है, जैसे हमने कि वहाँ लिखा था VN पे, सेम वैसे लिख लेना आप लोग को। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ,
फिर यहाँ ऊपर के साइड से रख देना, कहीं पे भी आप लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, आप लोग को बता दो कि आप लोग को इस फ़ॉन्ट को कहाँ तक रखना है। देखिए जैसे ही आप लोग फ़ॉन्ट को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर आप लोग को ये मिल जाता है, मतलब कहाँ तक इस फ़ॉन्ट को आप लोग रखना चाहते हैं। तो आप लोग को वहीं तक रखना है जहाँ तक आप लोग मतलब कि आप ऐसे बोलेंगे कि मतलब मुझे नहीं पता, उसके पीछे ही थोड़ा आपको रखना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से गाइस आप लोग को फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को फ़ॉन्ट पे जाना है, यहाँ पे मी लिखना है, ठीक है। सो आप लोग जैसे मी लिखेंगे, मतलब आपका मतलब ये है कहने का तरीका कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये आ जाता, अब आप लोग को बताता हूँ इसका कहाँ से डोर, जहाँ से मैं मतलब कि वो बोलता मुझे नहीं पता है वहाँ तक आप लोग को इसको रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अब वीडियो बन के रेडी हो गया है, ये देखो। ना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, अपने तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं वीडियो बन के हमारा रेडी हो गया। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कुछ इस टाइप से वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप लोग बीएन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को दोनों तरीका मैंने बता दिया हूँ, तो आप लोग कैसे भी करके वीडियो को बना लीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते तो अभी मौका है, आप लोग वीडियो बना के अपलोड कर दो। आप लोग की वीडियो पर अच्छे खासे लाइक एंड व्यूज़ आ जाएंगे और फॉलोवर्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग कोई सा भी कैप्शन लग सकते हैं, न्यू ट्रेंड लिख सकते हैं, और नीचे जो हैशटैग होगा इस आप लोग को हैशटैग का ध्यान देना है, वायरल रील्स, ट्रेंडिंग रील्स, इस टाइप के आप लोग को हैशटैग देना है। और यहाँ से आप लोग को वीडियोस को अपलोड कर देना है, मतलब शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम एंड कर देते हैं। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि मैं इस टाइप की ट्रेंडिंग रील्स वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।